10 यूनिट 5 इमोशनल डेवलपमेंट। तो इसको इस यूनिट को आर स्टूडेंट जो है ना रीड करने के बाद एबल हो जाएंगे कि इमोशनल डेवलपमेंट को डिफाइन कर सके, क्या होती है नेचर और नर्चर और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर थीरीज क्या है इमोशनल डेवलपमेंट की, फिर करेक्टरिस्टिक्स क्या है लर्नर में वेरियस स्टेज पे, प्री स्कूल एलिमेंट्री लेवल पे, और फिर वेरियस एक्टिविटीज़ जो स्टेजेस पे करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। वाट इज़ इमोशनल डिवेलपमेंट? इमोशनल डिवेलपमेंट इज़ द बिगिनिंग ऑफ ए चाइल्ड एक्सपीरियंस अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस फ्राम बर्थ टू लेट एडोलेसेंस। तो बचपन से लेके जो बच्चे अडल्ट होने तक उनमें जो बिगिनिंग स्टार्ट होता है चाइल्ड में एक्सपीरियंस करना, अंडरस्टैंड करना चीज़ों को, फिर उनको एक्सप्रेस करना और मैनेज करना, ये सारी चीज़ें जो है ना इमोशंस में आती हैं। दीज क्वेश्चन प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइल्ड इमोशनल डिवेलपमेंट, के हाउ टू डू चिल्ड्रन स्टार्ट टू अंडरस्टैंड हु दे आर, वो कौन है, व्हाट दे आर फीलिंग, वो क्या फील करते हैं, एंड व्हाट दे एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्राम अदर्स, के वो दूसरों से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। चिल्ड्रन सोशल इमोशनल डिवेलपमेंट इन्फ्लुएंस ऑल अदर एरियाज ऑफ डिवेलपमेंट। तो बच्चों की जो सोशल डिवेलपमेंट होती है ना, इमोशनल डिवेलपमेंट, इमोशंस बहुत मैटर करते हैं जो है उनकी डिवेलपमेंट में, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉग्निटिव, जानत, मोटर, बॉडी की और लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये वो दूसरों से इंटरेक्शन करके इमोशंस को कंट्रोल करके सीखते हैं। ऑल आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय हाउ अ चाइल्ड फील्स अबाउट हिमसेल्फ एंड हाउ ही इज़ एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज़ एंड इमोशन। तो ये इफेक्ट करते हैं कि वो बच्चा अपने बारे में क्या फील करता है और कैसे वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। अब हेल्थी सोशियो इमोशनल जो डिवेलपमेंट है वो इन्फ्लुएंस करती है एबिलिटी टू फॉर्म एंड सस्टेन पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो इमोशनल जो बंदा अच्छा होता है वो फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप रखता है और कायम रख सकता है, एक्सपीरियंस करता है, मैनेज करता है और एक्सपीरियंस इमोशन करता है, वो एक्सपीरियंस करता है चीज़ों को, लर्न कर सकता है, मैनेज कर सकता है और फिर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है अपने लिहाज से कि कब कहाँ किस तरह के इमोशन दिखाने, फिर एक्सप्लोर एंड इंगेज विद द इन्वायरमेंट। तो वो इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करता है और उसके साथ इंगेज हो जाता है। चिल्ड्रन हैविंग वेल डिवेल्प सोशल इमोशनल स्किल्स आर आल्सो एबल टू। तो जिन बच्चों में ये सोशो इमोशनल स्किल बहुत अच्छी होती है वो बहुत काबिल होते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं तेरे आइडियाज़ एंड फीलिंग्स, वो अपनी आइडियाज़ और फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में बड़े माहिर होते हैं। शो एम्पैथी टू अदर्स, वो दूसरों के साथ बड़ी हमदर्दी अटैचमेंट शो करते हैं। मैनेज देयर फीलिंग्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिस प्लेजर मोर इजीली, तो वो अपनी जो फीलिंग कोई ऐसी फीलिंग जिसमें वो अनकम्फर्टेबल हैं उसको भी बड़ी ईजिली मैनेज कर सकते हैं जब वो इमोशनली डिवेलप होते हैं, इमोशन कंट्रोल करते हैं। फील सेल्फ कॉन्फिडेंट, तो जब वो इमोशन को कंट्रोल करते हैं तो वो फिर सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मोर इजीली मेक एंड डिवेल्प फ्रेंडशिप, तो वो फिर मोर इजीली जो है ना वो फ्रेंडशिप बनाना शुरू कर देते हैं और स्कूल में वो सक्सीड रहते हैं। व्हाई इमोशनल डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट? इमोशनल डेवलपमेंट इज़ वाइटल इन हेल्पिंग चिल्ड्रन ग्रो इनटू वेल एडजस्ट एडल्ट्स। तो इमोशनल डेवलपमेंट जो है ना वो बहुत अहम किरदार अदा करती है किसी बच्चे को अडल्ट ग्रो करने में। बींग एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट फीलिंग, तो वो बच्चे इस काबिल होते हैं कि वो डिफरेंट फीलिंग को जो है ना एक्सप्रेस कर सकें, फिर उनको प्रोसेस कर सकें और डिफ़िकल्ट इमोशन जो है ना इनेबल करें चिल्ड्रन टू बी हेल्थी इमोशन एंड साइकोलॉजी। तो उनमें जो है ना वो हेल्थी इमोशन और साइकोलॉजी, फिर जो है ना वो इमोशंस उनमें को हेल्थी इमोशनली हेल्थी बना देते हैं और साइकोलॉजिकली वो मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। अब इन्फेंट और टोडलर जिनकी फैमिलीज और अदर जो केयर गिवर जो हैं वो फोकस करते हैं बिल्डिंग ट्रस्ट एंड हेल्थी रिलेशनशिप सेट द स्टेज फॉर द लाइफ टाइम लर्निंग। तो उनके जो पेरेंट्स जिन्हें समझदार होती हैं वो फैमिली जो है ना उन बच्चों के साथ अटैच हो जाती हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्थी रिलेशनशिप देती हैं जिस वजह से उनको इमोशन कंट्रोल करना आ जाता है, तो वो फिर लर्न करते हैं पूरी लाइफ में। अब इमोशन डेवलपमेंट जो है ना वो इन्वॉल्व है अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाई इमोशंस अपीयर, कि इस बात को अंडरस्टैंड करना कि कैसे और कब जो है ना क्यों इमोशंस आते हैं, क्यों इमोशन जो है ना बंदा इमोशनल हो जाता है, क्यों किस तरह के इमोशन कब आते हैं। रिकॉग्नाइजिंग ऑन फीलिंग वंस ऑन फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदर्स, तो अपनी फीलिंग्स और दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, डिवेलपिंग इफेक्टिव वेज ऑफ मैनेजिंग दैम, और उन फीलिंग्स को फिर मैनेज करना, ये सीखना इमोशन एंड डिवेलपमेंट में आता है। अब एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल इमोशनल डिवेलपमेंट क्या है? तो केयरिंग इन्वायरमेंट, डिवेलपिंग केयरिंग इन्वायरमेंट सबसे पहले मिलता है जिसमें क्या होता है डिवेलपिंग काइंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग इन अर्ली चाइल्डहुड सेटिंग्स आर एसेंशियल। तो केयरिंग जो इन्वायरमेंट है कि उनको इन्वायरमेंट केयरिंग मिले जिसमें पेरेंट्स के साथ अटैच हों, पेरेंट्स उनकी जो है ना जो उनके केयर गिवर हैं वो उनकी केयर ट्रीट करें अच्छे से, उनको हैप्पी रखें, तो ये चीज़ें बड़ी जो इंपॉर्टेंट है।
फिर इमोशनल नॉलेज एंड इमोशनल रेगुलेशन। तो चिल्ड्रन जो है ना एट वेरी अर्ली एज आर कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग बेसिक इमोशंस पर्टिकुलरली हैप्पी एंड सैड। तो बच्चे बहुत स्टार्टिंग से ही जो है ना वो सीख जाते हैं कि कैसे वो अपने बेसिक जो इमोशंस हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं कि कब उन्हें हैप्पी है कब वो सैड है। द एक्ट ऑफ लेबलिंग एन इमोशन हेल्प टू मूव इट टू द कॉग्निटिव पार्ट ऑफ ब्रेन। तो ये जो इमोशन का है ये एक्ट है कि लेबल करना कि एक इमोशन को जो उन्हें हेल्प करता है किसी भी पार्ट ऑफ ब्रेन से। दिस क्रिएट्स अ स्पेस बिटवीन फीलिंग एंड एक्शन विच अल्टीमेटली हेल्प चिल्ड्रन टू प्रोसेस फीलिंग इन ए मैटर दैट इज़ मोर कॉग्निटिव देन रिएक्टिव। तो वो फिर बच्चों में एक जो है ना फीलिंग क्रिएट करता है और एक्शन, तो वो फीलिंग और एक्शन में डिफरेंस करते हैं कि कब जो है ना वो कुछ चीज़ें फील हैं और कब जो है ना उन पर एक्शन करना है। फिर सोशल अंडरस्टैंडिंग आती है इसकी वजह से कि बच्चे जो है ना वो फोर चिल्ड्रन बिगन टू फोर की एज में जो है ना वो बच्चे शुरू कर देते हैं कि इंटरनल वर्ड्स को जो है ना वो फीलिंग्स और थाट्स और सर्टन जो है ना इवेंट एक्शन को उनके सारे जो इमोशन रिएक्शन हैं उस पर देना शुरू कर देते हैं। हिस्ट्री होगी जैसे थाट्स फीलिंग्स देना शुरू हो जाते हैं अपने। फिर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के नॉलेज ऑफ सोशल नॉर्म इन्फ्लुएंस द इंटरेक्शन बिटवीन चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है उसको वो मैनेज करना शुरू कर देते हैं और चाइल्ड को हेल्प करते हैं कि कैसे उन्हें अपना इमोशन एक्सप्रेस करना है इफेक्टिवली और प्रॉब्लम को कैसे रिस्पॉन्ड करना है कोई प्रॉब्लम अगर है तो। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो द गोल ऑफ सोशल इमोशनल एजुकेशन इज़ टू इनेबल चिल्ड्रन टू इंटरनली मोटिवेटेड टू एक्ट काइंडली। तो बच्चे फिर वो काइंडली जो है ना वो एक्ट करते हैं, उनको इमोशनल एजुकेशन ऐसी होती है कि वो बच्चों को इस काबिल बना देते हैं और डिवेल्प करते हैं सिस्टम ऑफ एथिकल वैल्यूज़ कि डायरेक्टेड टूवर्ड्स फीलिंग्स ऑफ आर अदर्स के वो दूसरों की फीलिंग की रिस्पेक्ट करें और उनके इमोशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये हैं सारे सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप स्किल्स, ये सारी चीज़ें जो है ना वो फिर आती हैं सेल्फ। फिर फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं इमोशन डेवलपमेंट, देर आर मेनी फैक्टर्स हैं बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल हैं विच जो इम्पैक्ट करते हैं चाइल्ड लेवल ऑफ इमोशन डेवलपमेंट। तो इंटरनल में जो इनसाइड से आते हैं जो इंसान की पर्सनैलिटी में से आते हैं, चिल्ड्रन हुआ है मोर टॉलरेंट एंड रिलैक्स टेम्परामेंट्स इंक्लाइन टूवर्ड्स ईजियर लर्निंग ऑफ इमोशन मैनेजमेंट। तो वो बच्चे जो सब्र का मुजाहरा करते हैं वो रिलैक्स रहते हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं वो, उनको अच्छे से इमोशन मैनेजमेंट आती है जिनमें सब्र ज़्यादा होता है जो सब्र कर सकते हैं। जो जिनमें जो है ना डिफ़िकल्ट होता है टेम्परामेंट्स हैव अ टेंडेंसी टू मेक एफर्ट्स इन ऑर्डर टू रेगुलेट देयर ओन इमोशन। तो वो जो बच्चे जो उनके लिए जो है ना वो बेसब्रे होते हैं जो बहुत हरी में रहते हैं या जिनके लिए डिफ़िकल्ट होता है कि अपने इमोशन को अपने जो है ना वो बिहेवियर को कंट्रोल करना, उनके लिए इमोशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। एक्सटर्नल में आपके यहाँ द एनवायरनमेंट एंड रोल मॉडल्स विल आल्सो इम्पैक्ट हो चिल्ड्रन रिएक्ट टू वर्ड इमोशनली। तो एक्सटर्नल आप लोग और जो है ना बाहर का एनवायरनमेंट बड़ा जो है ना वो अहम रोल अदा करता है कि कैसे बच्चे वो इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। अब इसके बारे में एरिक्सन जो है ना फर्स्ट फोर स्टेजेस ऑफ उसने सोशल इमोशन डेवलपमेंट दी। तो एरिक्सन की जो फर्स्ट फोर स्टेजेस ऑफ सोशो इकोनॉमिकल इमोशनल डेवलपमेंट स्टेज थी उसमें पहली जो स्टेज थी बेसिक ट्रस्ट बेसिक बेसिक मिसट्रस्ट के बच्चे जो है ना ट्रस्ट पैदा करते हैं या मिसट्रस्ट हो जाते हैं। ये एज जो है ना 12 to 18 months होती है बर्थ टू यानी इन्फेंसी में। इसमें क्या होता है कि एन इन्फेंट नीड्स कंसिस्टेंट केयर गिवर हु प्रोवाइड फॉर देयर बेसिक नीड्स इन ए नर्चरिंग एंड केयरिंग इन्वायरमेंट। तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ तो माँ होती है लेकिन वो जो है ना इन्फेंट्स को आप बेसिकली एक केयर गिवर चाहिए होता है, ख्याल रखने वाला बंदा चाहिए होता है जो उनकी इन्वायरमेंट की खबर ख्याल रखे उनका ख्याल रखे। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इन्फेंट्स नीड लविंग एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। तो इसमें इन्फेंट जो है ना वो ट्रस्टिंग रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें मोस्टली पेरेंट के साथ या अदर केयर गिवर के साथ वो सेंस ऑफ ट्रस्ट डिवेल्प करते हैं। इन्फेंट्स हु डू नॉट रिसीव कंसिस्टेंट एंड नर्चरिंग केयर आर एट रिस्क फॉर डिवेल्पिंग ए सेंस ऑफ मिसट्रस्ट ऑफ अदर्स। तो जो ऐसा नहीं गेन करते कि अच्छा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप जिनका नहीं डिवेल्प होता वो फिर जो है ना मिसट्रस्ट में चले जाते हैं, वो फिर उनमें ट्रस्ट डिवेल्प नहीं होता। दूसरा ऑटोनॉमी वर्सेज शेम या डाउट। तो टोटलर जो है ना उनको केयरिंग अडल्ट हु प्रोवाइड्स अ सुपरवाइज, तो उनको ऐसा बंदा चाहिए होता है जो उनको सुपरवाइज करें सेफ रखे बचाए इन्वायरमेंट दे जो प्रोवाइड करते हैं द चाइल्ड विद अपॉर्चुनिटीज टू लर्न न्यू फिजिकल स्किल, जो उनकी हेल्प करता है कि वो न्यू फिजिकल स्किल को लर्न करें। तो ये जो प्रोसेस है ये 18 months to 3 years तक चलता है। इसमें क्या होता है कि वो बच्चे थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, चलना फिरना शुरू कर देते हैं, खुद जो है ना वो ड्रा टॉक करना शुरू कर देते हैं,
तो इस तरह जो है ना वो स्किल इनमें डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, आप थोड़ी सी आज़ादी चाहते हैं, तो जो है ना कुछ बच्चे जो पॉजिटिव फील होते हैं, पॉजिटिव जिनको रिलेशनशिप मिलते हैं, जो पॉजिटिव जिनको एनवायरनमेंट होता है, वो फिर डेवलप कर जाते हैं, कॉन्फिडेंस वगैरह कैपेबल हो जाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। जबकि जिनमें नेगेटिव होता है वो फिर चाहे डाउट और जो है ना लो सेल्फ कॉन्फिडेंस कर देते हैं। तीसरे नंबर पे इनिशिएटिव या गिल्ट, तो प्री स्कूल चिल्ड्रन जो है ना उनको चाहिए होता है बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट जो उनको इनक्रेज करे ताकि वो अपनी मर्ज़ी से चॉइसेस कर सकें। ये 3 to 6 ईयर्स होता है। इसमें क्या होता है कि चिल्ड्रन जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, असर्टिव हो जाते हैं और ख़ुद इनिशिएटिव लेना शुरू कर देते हैं चीज़ों का। टीचर जो जो अदर होते हैं ना अडल्ट, वो उनको चाहिए कि वो उनको जो है ना नीड प्रोवाइड करते हैं और इन्वायरमेंट सपोर्ट उनको देने करते हैं इसमें। तो अगर ऐसा नहीं होता कि उनको जो है ना एक्टिविटीज़ में कोई प्रिवेंट करे या उनको रोके, तो वो फिर अनहैप्पी और फिर उनमें गिल्ट आना शुरू हो जाता है। अब इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरियरिटी, तो स्कूल एज में जो चिल्ड्रन उनको इन्वायरमेंट चाहिए होता है, वो ऐसा इन्वायरमेंट करते हैं कि उनको कोई इनक्रेज करे, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ ताकि वो अपने आइडियाज़ को डेवलप कर सकें, अपने आइडियाज़ पे काम कर सकें। तो अगर चिल्ड्रन को इस तरह का इन्वायरमेंट मिले कि उनको एकेडमिक और लर्निंग का जो है ना वो सोर्स मिले, प्रोडक्टिव उनको जो है ना ऐसा इन्वायरमेंट मिले कि वो एक्सपीरियंस कर सकें, कि वो अपने प्रोडक्ट को सेटिस्फाई कर सकें, अपनी जो है ना थाट्स को अप्लाई कर सकें, तो वो फिर जो है ना उनके लिए इंडस्ट्री होता है। तो अगर अडल्ट गाइडेंस जो है ना उनको डी एम्फेसाइज करे और मिस्टेक फोकस करे और प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो है ना उनकी हेल्प ना करे, तो फिर जो है ना वो इन्फेरिटी में चले जाते हैं। अब इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर एट प्री स्कूल लेवल, तो प्री स्कूल लेवल पे जो इमोशंस होते हैं चिल्ड्रन के, वो लार्ज ऑन सरफेस होते हैं। दे फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, लाफ एन अडल्ट लाफ और ऑन एन हार्ड इवेंट इट शोज एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमर, तो उनमें ह्यूमर आता है। अगर वो एक अडल्ट लाफ करता है तो वो भी साथ लाफ करते हैं, या किसी ऑड इवेंट पे, तो ये एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमर उनमें दिखाता है। फिर लेस नेगेटिविज्म के उनमें जो है ना लेस नेगेटिविज्म के बारे में, नेगेटिव चीज़ें जो है बहुत कम होती हैं, वो कन्फिडेंट मजबूत होते हैं। फिर कमेंसमेंट ऑफ फोबियाज एंड फियर्स दैट मे प्रोलॉन्ग टू एज 5, तो फिर उनमें जो है ना कुछ फोबियाज आ जाते हैं, डर आ जाते हैं, कुछ फेयर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, अल्यूजन। तो एट 4 ईयर्स इंटेंशन लाइंग में बिगन, तो फिर जो है ना वो 4 ईयर के इंटेंशन के बाद कुछ लाइंग करना शुरू कर दे। आई कैन हेल्प, फिर जो है ना एक्टिविटीज़ आपके हैं आई कैन हेल्प, तो डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन ऑफ प्री स्कूल एज टू फुली ग्रेस्प इमोशन कंसेप्ट स्पेशली कम्प्लेक्स इमोशंस, तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है उस एज में जो है ना वो मुश्किल से कम्प्लेक्स इमोशन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो टीचर को चाहिए कि वो फोकस करे कि इमोशन उनको हैप्पी सैड और एंग्री एंड हार्ट पे। फिर मटेरियल इसके लिए क्या चाहिए कि लार्ज पीस ऑफ चार्ट या पेपर बोर्ड मार्कर वगैरह रखे जाएँ पास। अब करना क्या, व्हाट टू डू, ड्रा ए हैप्पी फेस ऑन टॉप ऑफ द चार्ट पेपर एंड आस्क द चाइल्ड व्हाट ही सीज एंड व्हाट इट मींस, तो फिर वो जो है ना जो एक्टिविटी करवाएं कि आप चार्ट पे जो है ना वो इमोजी सब बनवाएं हैप्पी फेस वाला, और बच्चों से पूछेंगे क्या और कब होता है। फिर उनको जो है ना उनको बताएं कि चीज़ें बताएं जो उनको हैप्पी कर सकती हैं, फिर क्या करना चाहिए हैप्पी होने के लिए। फिर एक अनहैप्पी फेस जो है ना वो ड्रा करें उसके उलट, और बताएं कि जब एंग्री और अपसेट होते हैं तो क्या होता है, और एंग्री एंड अपसेट के नुकसान क्या है, वेरिएशन क्या है। टॉकिंग अबाउट इमोशंस विद द चाइल्ड कैन बी मेड ईजियर बाय यूजिंग बुक्स, तो बुक्स के थ्रू जो है ना ईजी होता है कि बुक्स के थ्रू बताना बच्चों को। फाइंड आउट जो है ना सम उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज एंड टंग विच आर रिटन एंड डिजाइन फॉर चिल्ड्रन ऑफ दिस एज, तो उन बच्चों को जो है ना अपनी ज़बान में समझाएँ। 5 की एज में जो है ना वो बच्चे स्टार्ट कर दें किंडरगार्टन लेवल पे कि इमोशन को एक्सप्रेस करें और कैसे कंट्रोल करें। तो फ्रीक्वेंट कॉल्स अमंग चिल्ड्रन बट दीज कॉल्स आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, तो बच्चों के दौरान लड़ाइयाँ झगड़े तो होती हैं लेकिन जल्दी भूल जाते हैं क्योंकि वो इमोशनली अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। 6 की एज में जो होते हैं इमोशंस एंड चाइल्ड सीम्स टू बी इन इमोशनल कन्फ्यूजन, तो उसमें जो है ना इमोशन कन्फ्यूजन होता है और न्यू काइंड ऑफ वरीज अराइज होते हैं। फिर एंगर आउटबर्स्ट, तो फिर मैं जो है ना बच्चों में गुस्सा आना शुरू हो जाता है जैसे जैसे वो एज ऊपर हो जाती है। फिर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियस एट 5 स्टार्स, तो 5 की एज में वो डेवलप होना शुरू हो जाता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। 6 में वो एक्सेप्ट करते हैं जी के रूल्स डेवलप के कैसे रिजिड ओबीनियस और ओबेइंग करें कैसे चीज़ को वो ऐसे। फिर एक्टिविटीज़ क्या है, मेकिंग अ ट्रेन, एक ट्रेन बनाएं, ग्रुप प्रोजेक्ट ताकि बच्चों को एक दूसरे के साथ देखें अटैच, ग्रुप काम दें उनको, मटेरियल दें कि कार्डबोर्ड बॉक्सेस और पेन क्रेन मार्कर्स वगैरह को यूज़ करें इसके लिए। फिर जो है ना वो ट्रेन टुगेदर बनाएं,
बच्चों के बॉक्सेस वगैरह को इकट्ठे पुट करें, लिमिट अप्लाई करें और उनको प्रेज करें कि एक्नॉलेजमेंट करें चिल्ड्रन की। फिर एलिमेंट्री लेवल पे बच्चों में क्या करें, तो एलिमेंट्री लेवल पे जो है ना डिफ़िकल्टी इन स्टार्टिंग थिंग्स बट विल कंटिन्यू टू एंड, तो मुश्किल होता है चीज़ों को शुरू करना लेकिन वो कंटिन्यू करते हैं एंड तक। तो वरीज रिलेटेड टू स्कूल परफॉर्मेंस, स्कूल परफॉर्मेंस के रिलेटेड वरीज होती हैं उनमें। फिर बिगनिंग उनमें एम्पैथी बिगन होना शुरू हो जाती है, डेवलप होना, सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना वो इम्प्रेस करते एक्सप्रेस करते हैं, रिडल्स जोक वगैरह करते हैं यानी पहेलियाँ बुझाते हैं, नॉनसेंस वर्ड्स भी कभी कभी यूज़ करते हैं। फिर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं गुड और बैड में कि सेंसिटिव होते हैं कि गट हार्ट इजीली चीज़ों के साथ अटैच हो जाते हैं, हैज सेंस ऑफ पोजेशन एंड टेक केयर ऑफ पोजेशन। फिर टीचर कैसे प्रमोट कर सकते हैं क्लासरूम में एलिमेंट्री लेवल पे, सेंसिटिव टू चाइल्ड चिल्ड्रंस नीड, जो बच्चों की नीड के बारे में ख्याल रखें, उन जो सेंसिटिव बच्चे हैं उनके किस चीज़ से वो हार्ट होते हैं, हैप्पी होते हैं, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और उनको सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, एक्ट करें एज अ रोल मॉडल, इफेक्टिव करें बिहेवियर, टून ऑफ जो है ना वॉइस ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, बच्चों को जो है ना वो रिकग्नाइज करें कि कैसे थिंग्स जो है ना वो कहनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। फिर उनमें स्किन इमोशनल कम्युनिकेशन और सेल्फ अवेयरनेस वगैरह जो है ना वो टून ऑफ वॉइस कैसे चेंज करते हैं, कब गुस्सा है कब हैप्पी है, किस तरह हैप्पी है, कैसे जो है ना अच्छे से बात करें। फिर बच्चों को समझाएं कि उनकी अपनी वॉइस से कि जो है ना कैसे वर्ड को स्ट्रॉन्गर मैसेज कैसे भेजें, कैसे जो है ना वो चेंज करें आहिस्ता आहिस्ता, कब आवाज़ ऊंची कब नीची करें। तो बच्चों को कहा है एक्टिविटी में क्या है कि उनको सर्कल बनाएं और उनको करें जी वॉइस टून जो है ना चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स बीइंग सेड और कम्युनिकेट द रॉन्ग फीलिंग, तो फीलिंग जज करें कि वॉइस से कोई बंदा गुस्से में है या इस तरह। फर्स्ट चाइल्ड इन द सर्कल से आई लव आइसक्रीम इन ए बोर्ड वेज, तो बच्चा वो कहता है कि आइसक्रीम से के आई लव आइसक्रीम लेकिन वो बोर्ड वे वॉइस में कहता है, जबकि नेक्स्ट चाइल्ड से वो कहेगा वो ऐसे जाहिर करेगा जैसे वो प्यार करता है आइसक्रीम से। तो नेक्स्ट चाइल्ड जो है ना वो कहेगा कि आई हैव टू डू सो मच होमवर्क इन हैप्पी वॉइस, तो एक बच्चा खुशी से कहेगा कि मैं होमवर्क करना चाहता हूँ। इस तरह की यानी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए।